हम 20-25 साल पुरानी बात कर लो तो तब शहरी जिंदगी से गांव वाला ईदगाह परिचित नहीं छाए। स्कूल मान छा हमारे बैग खतो साइड और सीधा सियारा जान छा सियारा लगाना के लोग वार्ड सरकार दिन छा जरा सी और वाई वार्ड सरकार में ईदगाह भयंकर लड़े हुए जान जन्नी भेजी गांव पहुंची और हाल चाल पूछना बात बोली ए बेटा कब जान वापसी किले सही हर वे को पीछे कारण क्या था कि भैजी नौकरी तो जरूर कर शहर लेकिन भैजी को मन शहर मन नहीं चाहिए। आप अपने कोरोना वायरस को टेस्ट जरूर करें या अगर आप तो दिक्कत लग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल चु कि अगर आप लोग उधर शहर की वास्तविकता शहरी जीवन की हकीकत आप लोग उधर पता रहे जब आप लोग शहर में आओ तो क्या आप लोग शहर में आन पसंद कर दा या आप लोग गांव में ही कुछ काम कर दा या गांव में रहना पसंद कर दा जरूर लिखे ये सवालों को जवाब वीडियो में ताकि एक एक्सपीरियंस हम तक मिला लू। सभी भाई बंधुओं को पहाड़ी यादें और पहाड़ की बातें चैनल में हार्दिक स्वागत। ये चैनल में आप थे पहाड़ी बातें पहाड़ संबंधित रीति रिवाज खान पान रहन सहन परंपरा वे का बात होंगी ये चैनल में तो आप हमसे जरूर जुड़ सक दो पहाड़ी बातों में। चैनल था सब्सक्राइब कर लिया ताकि हम आपस में बातचीत छुई बात लगा सक दो पहाड़ की। दगड़ियों शहर की जिंदगी से हम आप लोग वाकिफ हो चुके हो आज सब भी लोग छोटा भी बच्चा भी आजकल कि शहरी भागदौड़ नौकरी चाकरी मारा मारी समस्याएं और वक्त में छोटी बड़ी बीमारियों के बीच आजकल शहरों में फैलनी चाहिए कि नई बीमारी कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के बारे में सोचते सोचते मैं अपू रिवर्स कार जिंदगी और मैं पहुँच गई बिल्कुल 15-20-25 साल पुरान बिल्कुल गाँव में पहुँच गई मैं तब हम छोटा छोटा हूँ छाई मैं आप तक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चु मैं तो उम्मीद कि यू आप तक पसंद आलू लाइक करना आप शेयर भी करना आप सब भी अपना पहाड़ी ग्रुपों में एक संदेश मान के चलो ये वीडियो को माध्यम से मैं दिन चाहूँ छू आप भी जरूर आप बचपन याद आलू बचपन का गाँव का दिन याद आला और आपका आँखा जरूर नम हो जाला। हम 20-25 साल पुरानी बात कर लो तो तब शहरी जिंदगी से गांव वाला ईदगाह परिचित नहीं छाए उस शहर जानन छाए कि शहर में बहुत बढ़िया जिंदगी छ मौज छी ठाड़ बाड़ छी लेकिन हकीकत तो कुछ और ही छाए। अभी गांव की जिंदगी आप बात कर लो गांव में देखो चहल पहल धूम धाम मत जान छाई ऐसा लगन छाए कि डेली शादी पार्टियां होना छी रोज की यू दिनचर्या छाई गोर बछरा हर के का छनड़ो मा गुठार मा गोट हुंचाई तो गोट मा गोर बछरो को ढेर स्यारे लगान छाई स्कूल मान छा मर बैग खतो साइड और सीधा स्यारा जान छा स्यारे लगाना खन वक स्यारा ते के लगान छा पर हम वो पानी मा नच छा खेलन छाई और हमको खाना पीना भी सब वकी जयू रह चाहिए। आप देखो फोड़ा पटला सब भी दूर दूर तक लोगों का खेती होनी चाहिए अब तक के लोग वार्ड सरकार दिन चाहे जरा सी और वही वार्ड सरकार में ईदगाह भयंकर लड़े हुए जान चाहिए काका बड़ों में है ना दादा बूटा देखो खाना पीना की कोई कमी ना साग सब्जी अनाज बिल्कुल पैक भर रह चाहिए शहर की कुछ भी नहीं छा शहर में एक लून खरीद नमक वो माटा माटा वे का डाला हो जा ककरा ना वो 2 रुपये किलो लून मिल छाई तो देखो सब कुछ स्यारा गोट हो छाई लेन तो देखो घी दूध छाछ सब कुछ ठाड़ छाई शहर की जिंदगी से दूर। अब वक्त में एक भैजी जो थे शहर में नौकरी करनी चाहिए वो गाँव जंदी अब गाँव जंदी साल 6 महीने बाद जन्नी गाँव जंदी ना तो गांव की जन्या बस उतरो था हा इन लग दो स्वर्ग पहुंचो जन्नी भैजी गांव पहुंची और हाल चाल पूछना बात बोली ए बेटा कब जान वापसी किले इसकी बोली भी शहर में भैजी दगड़ आना खन तैयार बोले पर घर जान तो बोल पूछने की बेटा तिले कब जान तो भैजी बोले बोली मिलते परसों जान एतवार खन अब बोरी भी अपर सामान पैक पैक कर के एतवार खन जान आज एतवार भी निकल गया भैजी गए नहीं बुढ़ी पूछ रहे बेटा तिल एतवार खन बोल तो गए नहीं छे भैजी बोल बुढ़ी वो 2 दिन का छुट्टी ऐसे और मिल गई
अब बोडिल स्वाति द्वि दिन का और मिल गया वाला, फिर द्वि दिन गुजर गए, बोडिल बाल रे बेटा तू गए नहीं चाहिए, तो बेजरबाल बोडी वो कंपनी ना थोड़ा बंद हुई, मतलब वे में थोड़ा हड़ताल चल रहा था, द्वि दिन और छुट्टी मेरा याद चार्ज भी तू द्वि दिन करते करते ना हफ्ता द्वि हफ्ता भी जान चाहिए। और वे को पीछे कारण क्या था कि भैजी नौकरी तो जरूर कर शहर, लेकिन भैजी को मन शहर में नहीं चाहिए, भैजी गाँव में ही। हम तो आज वो याद आने कि भैजी द्वितीय दिन किला सरकार चाह, हम तो भैजी मजाक बनाना चाहे कि भैजी जाना की लगी थी। हकीकत बात ये हो चाहे आज भैजी को ब्योह हो गई, और ब्योह होना बाद भौजी भौजी वाले कि बिल्कुल मित शहरी रह, मिल न तुम्हारा गोर बछरा देखना, न मिल तुम्हारा फूंगड़ा पटरला करना, न तुम्हारा घास खेड़ हूँ तुम्हें सही, अरे सियारा तुम कभी भी निशाना, अरु लें तुम्हारा गौड़ लती गौर मर्द, मैं सब कुछ नहीं हूँ दू मैं तुम्हारा दगड़। भैजी बहुत समझा लेकिन भौजी नहीं मानी, शहर रह गया भौजी। शहर माँ भौजी तो सिर्फ फायदा एक चीज है भाई, सीरियल नाटक केवल मर रंग बिरंगी और अलग जी टी वी और फलन सिनेमा ये सिनेमा बहुत सीरियल नाटक आंदी बस, किला कि गाँव में ना एक ही चैनल आना चाहिए DD1 नेशनल, और वे का इंतजार करना चाहिए, क्या चहल पहल होनी चाहिए, सब लोग एक घर में टीवी देखना खन शुक्रवार शनिवार पिक्चर। लेकिन शहर में भौजी तो रंग बिरंगा है भाई, सीरियल में मजा आ गया, भौजी तो एक महीना दो महीना छः महीना साल भर हो गया भौजी घर जाने पर कमरा छोटू किराए को, और वो टीवी जाने केवल, और ये सब भौजी छत भी नहीं देखो बहर कभी सब्जी मंडी चल गया, तो भौजी तो शहर की जिंदगी से आज भौजी परेशान है, बोल भैजी खंड में दिखाओ बहर भैजी में टाइम नहीं। अब भौजी तो लगन कि जिंदगी तो हाँ गाँव की भल छाए, लेकिन भौजी फिर भी तैयार नीच, सब कुछ छूट गया, फूंगड़ा पटोला सब छूट गया नहीं। आज देखो शहर में एक गंदी बीमारी फैली, अब भौजी केवल नहीं भैजी खेण कि मैं तो गाँव ले जाओ, मैं गाँव में फूंगड़ा कर लूँ पटोला कर लूँ घास कर लूँ वो सब बंजवाड़ खंड लूँ, लेकिन ये शहर की जिंदगी ना बिल्कुल बेकार च नरक च। और आज भैजी भी सोचना छी, भैजी भी सोचना छी कि मिल वे टाइम पर अगर शहर न्यान दू तो आज हमारा फूंगड़ा पटला आबाद रहेगा, आज चैन की सांस लींदा, और गांव में बिल्कुल ठंड पानी फर्स्ट क्लास हवा। भैजी जद का मेहनत शहर में करना छी वैसे उद का मेहनत अगर गांव में कर दा तो भैजी को जिंदगी बहुत बढ़िया कटी दू, लेकिन शहर में आएगी क्या करे मजबूरी छाई, लेकिन भौजी की मजबूरी नहीं छाई। आप ये बात जरूर समझा कि गाँव में हमारा सब कुछ वो छोड़ के एक टाइम और आना चाहिए, 10-15 साल और इंतजार करो दोबारा सब घर में जाना को तैयार लोग हो। आज बीमारी होगी और लोग घर जाना को सोचना चाहिए, मैं निवेदन कर दूँ अगर आप बीमारी हो बीमार हुआ छो आपक तबीयत ठीक नहीं छो सर्दी जुकाम खांसी हुई आप ती बुखार हुई तो आप घर नहीं जावा, घर का लोग बड़ा सीधा साधा और घर में ये बीमारी न लेके जावा, क्योंकि वक न हॉस्पिटल न सुविधा न गाड़ी गुड़ी को ले जाने ले जाने, वक अगर ये बीमारी फैले ले ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है जान गाँव में। तो आपसे बड़ी निवेदन कर दो वीडियो तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब भी पहाड़ी ग्रुप में, और वो दादा भौजी तभी निवेदन आप स्वस्थ छो आप तक कोई दिक्कत नहीं छो, आप एक बार नहीं 10 बार जाओ, लेकिन आप तक अगर बीमारी छो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुई छो तो आप अपन कोरोना वायरस को टेस्ट जरूर करें, अगर आप तक दिक्कत लगन तो आप यही शहर में रहें पर इलाज करें, लेकिन गाँव जाना की बिल्कुल भी जरूरत न करें, क्योंकि गाँव में लोग मिलता जुलता जरूर छी अंगाल डल दी और वो भूखी पींदी वे में जो चे ना ये वायरस ज़्यादा फैलने। तो बस यू निवेदन गाँव का दिन और जो शहर में आना खन जो अभी नया सोचना छी चाहे वो भुला अमर हो चाहे कोई भूलनी वाली या अगर वो ब्याह बाद है तो बिल्कुल भी आप शहर की जिंदगी नरक च मजबूरी च यख रहू लेकिन यख मन कह को नहीं लग दू, और यख आने को बाद एहसास हूँ कि हम यख किले वाला काश यू एहसास पहले भे जान दू तो यख शायद कम लोग आना, लेकिन आज लोग दशहर की जिंदगी अच्छी तरह परिचित होगी लोग ये को वास्ता आप गाँव में जरूर रह, गाँव की जिंदगी स्वर्ग च और ये शहर की जिंदगी से नर्ग कोई नर्ग नीच। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
आप तो अपना गांव की याद आई कन लगा आप तई तो अपना एक्सपीरियंस अपना विचार जरूर ग्रुप में लिखा कमेंट में लिखा और लाइक करके ना शेयर तो जरूर करना। धन्यवाद।